नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सब शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी कार्यालय में फिलहाल एक बड़ी बैठक चल रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह बैठक खजुराहो में जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, इसे लेकर बैठक बुलाई गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक में शामिल हुए हैं। 30 दिनों के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में बड़े नेताओं का दौरा होगा और इसीलिए बहुत जरूरी कि पहले से ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए। कैसी रणनीति रहेगी, क्या कुछ आयोजन होंगे, कौन कौन किस व्यवस्था को संभालेगा, इसी पर मंथन के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। खजुराहो में जब खास कार्यक्रम का आयोजन होगा, तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, तो किस तरह की व्यवस्था होगी, इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी कार्यालय में यह बड़ी बैठक लगातार जारी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर खजुराहो में खास कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। 30 दिनों के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे, कौन कहां रुकेगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे, व्यवस्थाएं क्या कुछ रहेंगी, कौन किस जिम्मेदारी को संभालेगा, क्योंकि 30 दिनों तक लगातार ये आयोजन चलेगा। तो खजुराहो में इसके तहत क्या कुछ होना है, बीजेपी की तरफ से मेगा प्लान क्या होगा इस पूरे कार्यक्रम का, ये पूरे विषय पर मंथन, साथ ही साथ आगामी रणनीति पर भी चर्चा। कुछ लोग इस बैठक में शामिल हैं, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस बैठक से जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम का आयोजन, और इतने बड़े स्तर पर जब कार्यक्रम होगा, तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। बीजेपी इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करवाने में और व्यवस्थित ढंग से उन्हें धरातल पर उतारने में काफी माहिर पार्टी मानी जाती है, और ये सिलसिला ऑन द स्पॉट देखने को नहीं मिलता है। बहुत लंबे समय से मंथन होता है, इसकी वानगी है बैठक 30 दिनों तक चलने वाले खास कार्यक्रमों को लेकर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संबोधित कर रहे हैं इस बैठक को, जानकारी भी जुटा रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं, किस जगह कौन व्यक्ति किस तरह की जिम्मेदारी संभाल सकता है, इस पर मंथन का दौर जारी। तो भोपाल में बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है, बड़े नेताओं को बुलाया गया है। जब केंद्रीय नेतृत्व से कुछ लोग यहां पर पहुंचेंगे, तो व्यवस्थाएं क्या कुछ रहेंगी और कौन इन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए किस तरह की जिम्मेदारी संभालेगा, जिम्मेदारियों का वितरण भी आप इसे कह सकते हैं। 30 दिनों तक कार्यक्रम चलने वाला है, निश्चित है एक बड़े स्तर पर मेगा प्लान बनाने की जरूरत, वही प्लान इस बैठक में आज तैयार किया जा रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इस बैठक को बुलाया गया है, क्योंकि जो कार्यक्रम होंगे उसमें किस तरह की रूपरेखा रहेगी और क्या कुछ धरातल पर होगा, इसे लेकर मंथन का दौर लगातार चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है इस बैठक में, सीधे हम जानकारी लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बैठक कार्यक्रम को लेकर बताई जा रही है, क्या कुछ अंदर चल रहा है, इस पर कोई जानकारी अभी तक? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से हाल ही में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें ये मंथन हुआ था कि आखिर 30 मई से 30 जून तक जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर, वो कैसे आयोजित होंगे और कौन कौन उसमें क्या क्या भूमिका निभाएगा। और यही कारण है कि उसके बाद अब अलग अलग मंडल मोर्चों और जो जिले हैं या जो संसदीय क्षेत्र हैं, उनको लेकर अब बैठकें हो रही हैं। और इसी क्रम में देखिए, कल जिस तरीके से महिला मोर्चा और ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए थे। अभी जो है वो खजुराहो लोकसभा संसदीय क्षेत्र को लेकर तैयारियों को लेकर एक बैठक चल रही है, जिसमें खुद खजुराहो सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। उसके थोड़ी देर बाद एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और युवा मोर्चाओं के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी, इसके अलावा जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ जो है एक लंबी बैठक चलेगी। और इस बैठक में ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, वो कार्यक्रम किस किस गांव में आयोजित होगी, किस शहर में आयोजित होगी, कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, क्योंकि अब वक्त बेहद कम बचा है। आज 26 तारीख हो गई और ऐसे में 4 दिन बाद ये विशेष अभियान शुरू होना है। और मध्य प्रदेश में ये अभियान खास इसलिए भी है कि मध्य प्रदेश में इस साल में चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के पहले लगातार बीजेपी के जो लोग हैं वो जो आम मतदाता है उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक अच्छा माध्यम जो है वो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी को मिला, और यही कारण है कि बीजेपी लगातार
बैठकें कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। चलिए देखना होगा कौन सी बड़ी बात उसके बाद सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल दिल्ली से भी एक और बड़ी खबर है जहां नीति आयोग की बैठक लगातार चल रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम शिवराज और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद है। राज्यों के विकास के रोड मैप पर मंथन लगातार जारी है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, नीति आयोग की बैठक लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए हैं, अमित शाह भी इसमें मौजूद हैं। तमाम राज्यों के सीएम इसमें पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ही प्रदेशों के मुखिया इस बैठक का हिस्सा हैं। राज्यों में आगामी विकास कार्य क्या रहेंगे, कैसे धरातल पर उन्हें उतारना है, इसी पर मंथन यानी कि विकास के रोड मैप पर कुल मिलाकर चर्चा। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तमाम राज्यों के सीएम और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। नीति आयोग की आज गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक है और इस बैठक में आने वाले 25 सालों में भारत कैसा होगा, यानी 2047 में भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, उसके मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। टीम इंडिया की बात की जा रही है। टीम इंडिया यानी जो अलग अलग राज्य हैं उनकी बात की जा रही कि राज्य विकसित होंगे तो देश विकसित होगा, ये प्रधानमंत्री की सोच है। और आज की बैठक में जो प्रमुख रूप से आठ बिंदु हैं उसमें रखे जाएंगे, जैसे MSME को की जो चुनौतियाँ हैं वो क्या होंगी, जो निवेश है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, महिला सशक्तिकरण है, स्वास्थ्य है, पोषण है, इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे और एक रोड मैप को तैयार करेंगे कि 2047 का भारत कैसा होगा। तो उसी की बुनियाद, या ये कहें कि उसका के जो एक नींव रखी जाती है, एक मजबूत बुनियाद रखी जाती है, उसकी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और इस बैठक में है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के ज़्यादातर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं। कुछ चार या पाँच राज्यों की तरफ से यहाँ के मुख्यमंत्री अलग अलग कारणों से नहीं पहुँच पाए हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं गुना से अगली बड़ी खबर जहां क्रैशर मालिकों की बड़ी लापरवाही सामने आई। क्रैशर में धमाके के चलते पत्थर उड़े और उन्हीं पत्थरों से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। धमाके से उड़ा नुकीला पत्थर युवक के सिर में जा घुसा। युवक का सिर खून से लहूलुहान हो गया। खनिज विभाग की लापरवाही भी इसमें सामने आई है। उमरी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास ये पूरी दुर्घटना हुई है। बड़ी जानकारी, तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी विजय ज्यादा जानकारी देंगे। विजय, क्या कुछ हुआ घटनास्थल पर, विस्तार से जानकारी। देखिए, जाहिर सी बात है, केंट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये जो मजदूर है ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उसी दौरान जो है वहाँ पर क्रेशरें लगी हुई हैं, जहाँ पर रोजाना ब्लास्टिंग का कार्य सुबह से ही किया जाता है, जिसमें कई बार स्थिति ये बनती है कि राह चलते लोग भी जो है घायल हो जाते हैं। कई बार तो कई लोगों को जो है चोटें भी आई है और वही दृश्य आज देखने को मिला है, जब एक फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे उसी दौरान जो है ये हादसा हुआ है। और पत्थर जो ब्लास्टिंग का पत्थर था वो जाकर एक युवक को लगा और उसे घायल अवस्था में जो है अभी जिला अस्पताल रेफर किया गया। कई बार प्रशासन दावे तो करता है कि क्रेशरों पे कार्रवाई की जा रही है, उनकी अनुमतियों के बारे में पूछा जाता है मीडिया द्वारा, तो यही कहा जाता है कि अनुमति है, लेकिन इस तरह के जब हादसे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे और खनिज विभाग पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी, निश्चित तौर पर गंभीर लापरवाही है। बहुत शुक्रिया आपको विशेष जानकारी के लिए। और भोपाल से अगली बड़ी खबर जहां सरकारी जमीन के कब्जे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 20 एकड़ सरकारी जमीन को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, नगर निगम और तहसीलदार मौजूद रहे। कब्जाधारियों ने करीब 20 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था। जमीन की कीमत 100 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। फौरन कार्रवाई हुई है, जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। 20 एकड़ सरकारी जमीन और सरकारी जमीन के कब्जे को लेकर प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसडीएम, नगर निगम और तहसीलदार मौजूद रहे मौके पर। कब्जाधारियों ने करीब 20 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था। नोटिस भी दिया जा चुका था लेकिन जवाब चुकी नहीं मिल रहा था और कब्जा खाली नहीं करवाया जा रहा था, इसलिए फौरन जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। और अब बात करेंगे कांकेर की, जहां सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक जवान घायल हो चुका है। जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली वहां से भाग निकले हैं।
लेकिन बड़ी जानकारी ये भी कि मुठभेड़ में एक महिला नक्सली घायल हो गई है। आरकेबी डिवीजन की सदस्य बताई जा रही है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़गांव थाना क्षेत्र के मेडरा जंगल के पास इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी सामने आई। कांकेर की ये मुठभेड़, जिसमें सुरक्षा बल और नक्सली एक बार फिर से आमने सामने थे। एक जवान के घायल होने की सूचना, लेकिन फौरन प्राथमिक उपचार दिया गया। जवान की स्थिति फिलहाल ठीक है। जवाबी कार्रवाई के दौरान नक्सली भाग निकले, लेकिन एक महिला नक्सली घायल हुई है, गिरफ्तार हो चुकी है। आरकेबी डिवीजन की सदस्य बताई जा रही है महिला नक्सली। बड़गांव थाना क्षेत्र के मेडरा जंगल के पास मुठभेड़ हुई। कांकेर से बड़ी खबर, सुरक्षा बल और नक्सली एक बार फिर से आमने सामने थे, लेकिन नक्सलियों की सक्रियता बढ़ती जा रही, इस पर भी एक अहम सवाल है। मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी घायल हुआ है। हालांकि सुरक्षा बलों को लेकर भी ये बातें लगातार सामने आ रही है कि नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लगातार नक्सली पीछे खदेड़े जा रहे हैं। और अब रुक करेंगे 85 खबर 85 से लेकर। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, एक जवान घायल, जवाबी कार्रवाई के बाद भागे नक्सली। आज से 4 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। बस्तर में चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। कांकेर के जलाशय खाली करने के मामले में अब एसडीओ की बारी, नोटिस जारी, 3 दिन में देना होगा जवाब, पानी के पैसे की होगी वसूली। रायपुर में फिर चाकूबाजी की घटना, ओवरटेक करने से मना करने पर युवक को मारा चाकू, मुजगहन इलाके की घटना। दुर्ग में दीपक नगर में पार्षद निवास पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, आग लगने का कारण अज्ञात, कमरे में रखा सामान जलकर राख। पिंडरा में भालू के हमले में 2 लोग घायल, मड़वाही गांव में भालू ने किया था हमला, ग्रामीणों ने भालू को जंगल की ओर खदेड़ा। जबलपुर में 7 जगहों पर एनआई की रेड, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में एनआई और एटीएस संयुक्त रूप से कर रही जांच, शहर के सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र छावनी में तब्दील, कई स्थानों पर हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। भोपाल में ई सिगरेट पर प्रतिबंध, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रदेश में सख्ती से लागू, बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर पाबंदी, कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा होगी। सूरत में बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र पर फिर जोर, कहा भारत क्या पाकिस्तान भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, किसी मजहब और पंथ के विरोधी नहीं, बस सनातन के कट्टर। नीमच में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, कार में सवार 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल, कार चालक को नींद आने से हुआ हादसा। भिंड में चाय दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, संस्कृति मैरिज गार्डन के पास का मामला। दूसरे अभ्यारण्य में चीतों को बसाने की कवायद, कुनो पार्क के अलावा दूसरी जगह बसाने की योजना, गांधी सागर अभ्यारण्य और नौरादेही अभ्यारण्य में भी बसाने की तैयारी। धार में 17 लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, सभी लोगों ने शादी समारोह में खाया था खाना, बीमार लोगों की धामनौद अस्पताल में हालत स्थिर। भोपाल में चड्डी बनियान गैंग ने वॉर डिसेबल्स रिटायर्ड कर्नल के घर की चोरी, कैश और लैपटॉप उड़ा ले गए चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई करतूत। गरियाबंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, रेडी टू ईट आर्थिक अनियमितता मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग, राजीव लोचन सिद्ध सहायता समूह के अध्यक्ष पर आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्गा सोनी ने लगाया आरोप। रायगढ़ में तलवार के साथ घूम रहा युवक गिरफ्तार, लोगों को डराने धमकाने का आरोप, बस स्टैंड पर तलवार के साथ घूम रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा। बलौदाबाजार में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग से 3 वर्षों तक बहला फुसलाकर करता रहा दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ लवन थाना में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज। पिंडरा में शादी का झांसा देकर नाबालिग का दैहिक शोषण करने वाले को 10 साल की सजा, 9 अक्टूबर 2021 को पिंडरा थाना क्षेत्र के कुदरी गांव का मामला, एक अन्य आरोपी को किया दोषमुक्त। कोंडागांव में मेंटेनेंस के चलते बिजली आपूर्ति बंद, प्री मॉनसून मेंटेनेंस का किया जाएगा कार्य, शहर के मेन फीडर में मेंटेनेंस के चलते पावर कट। जशपुर में जंगल में चल रहे 9 मवेशियों की चोरी, 4 भैंसे और 5 बैल की चोरी, मवेशियों को पैदल झारखंड ले जा रहे थे 4 आरोपी, तपकरा थाने का मामला।
बलरामपुर में पेट्रोल पंप से बाइक चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। चोरी की गई बाइक बरामद। राजपुर पुलिस आरोपियों को भेज चुकी है जेल। बलरामपुर में आज कई जगहों पर नहीं आएगी बिजली। कई गांवों में भी होगी बिजली की कटौती। बिजली लाइन में सुधार का किया जा रहा काम। धमतरी में भीषण गर्मी में गजराज का ग्रीष्म स्नान। सिरसगांव इलाके में 35 हाथियों का सिकासेर झुंड तालाब में नहाता दिखा। तेज गर्मी के कारण पूरा दोपहर पानी में बिता रहे हाथी। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी जानकारी। बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कुछ ही देर में एक और बैठक होने वाली है। बैठक में युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। खजुराहो सांसद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा फिलहाल बैठक ले रहे हैं। इसमें खजुराहो में जो कार्यक्रम होना है उस पर मंथन लगातार चल रहा है। लेकिन एक और बैठक की जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। कुछ ही देर में अगली बैठक शुरू होनी है। युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश में तमाम कार्यक्रम है। रूपरेखा क्या रहेगी इसी को लेकर इस बैठक में भी मंथन होगा। तो ये बड़ी जानकारी। एक मेगा प्लान इस पूरे आयोजन को लेकर तैयार किया जा रहा है। सही की शैलेंद्र इस पर जानकारी देंगे। शैलेंद्र, एक और बैठक के बारे में जानकारी साझा की रही है। शैलेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, सवाल दो रही है। एक और बैठक के को लेकर जानकारी सामने आई है, क्या कुछ होना है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल मुद्दे वही है जिस तरीके से आगामी जो 30 तारीख से लेकर अगली 30 जून तक जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उसको लेकर अलग अलग मोर्चों की जो बैठकें हैं वो आयोजित की जा रही है। जिस तरीके से कल महिला और जो ओबीसी मोर्चा है उसकी बैठक आयोजित की गई थी, और आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई जिसमें की 4 मोर्चे, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा और एसटी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के वो शामिल होंगे। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष हैं वो सारे लोग शामिल होंगे। तो हर मोर्चे को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं इस 30 दिन के कार्यक्रम को लेकर। उसको लेकर बैठकों का दौर जो है बीजेपी में लगातार जारी है। पहले प्रदेश समिति होती है, उसके बाद जिला स्तर पर बैठकें होती है, और अब भोपाल मुख्यालय बुलाकर सभी लोगों को। चलिए देखना होगा क्या कुछ निर्देश सामने आते। बहुत शुक्रिया आपका चैलेंज जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़18।